दोस्तों अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो, YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो डालते हो ना, तो सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो है। दोस्तों YouTube शॉर्ट्स पर कितना कुछ अर्निंग होता है, सब कुछ आप लोगों को लाइव के साथ दिखाऊंगा, सब कुछ रियलिटी लाइव के साथ दिखाऊंगा, जो कि मेरा व्यूज आया है और उस पर कितना ज्यादा अर्निंग हुआ है वो सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स के साथ दिखाने वाला हूँ, पूरा लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस छोटा सा वीडियो है, 3-4 मिनट का वीडियो है, तो ये वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लाइव और रियलिटी आप लोगों को मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है कार्तिक और मैं बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का बालियापाल गांव से बिलोंग करता हूँ और आप देख रहे हो कार्तिक टेक यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा YT स्टूडियो को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हो YT स्टूडियो मैंने ओपन किया और ये मेरा चैनल है, आप लोग देख सकते हो कार्तिक टेक मेरा चैनल का नाम है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो वही चैनल है। इस चैनल का मैं शॉर्ट्स का अर्निंग दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अगर अर्न के ऑप्शन पे ऊपर जाता हूँ तो दोस्तों मेरा अभी अभी चैनल मोनेटाइज हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा $30 भी कम्प्लीट हो चुका है। और जब $100 कम्प्लीट हो जाएगा मेरा यूट्यूब का पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। YouTube पे आप लोग को तो पता ही होगा मिनिमम $100 है, अगर एक महीने के अंदर $100 से कम होगा तो आपका YouTube पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर $100 से जितना भी ज्यादा होगा तो आपका YouTube पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट में, लेकिन 100 से अगर कम होगा $100 से तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहां पर मेरा $30 हो चुका है। अगर मैं $30 को हमारा इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करके देखूंगा तो कितना रुपीज होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। $30 × 83 रुपीज अभी चल रहा है। तो दोस्तों $30 का कीमत हमारा इंडियन रुपीज में 2,490 रुपीज मेरा अभी हो चुका है। और जब मेरा $100 कंप्लीट हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, $100 का कीमत हमारे इंडियन रुपीज में 83 रुपीज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो $100 का कीमत हमारे इंडियन रुपीज में 8,300 रुपीज। जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जब $100 मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा YouTube का पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं मेरा शॉर्ट्स का अर्निंग दिखाने वाला हूँ, मेरा शॉर्ट्स वीडियो का अर्निंग दिखाने वाला हूँ, सब कुछ रियलिटी लाइव दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहना है। यहाँ पर मैं कंटेंट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरा सिर्फ लॉन्ग वीडियो है। और यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट्स के सेक्शन पर जाता हूँ, मेरा सब कुछ शॉर्ट्स वीडियो आ चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हो एक वीडियो पर मेरा 404 व्यूज आया है। उस वीडियो का मैं आप लोगों को अर्निंग दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर शो करेगा मेरा व्यूज। देख सकते हो 404 व्यूज आया है, 404 व्यूज आया है, 1 सब्सक्राइबर इस वीडियो से मुझे मिला है। और यहाँ पर अगर मैं अर्निंग पर जाऊँगा यहाँ पर देख सकते हो 0.26 पैसा, मतलब 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही मैं आपको और एक शॉर्ट्स वीडियो का अर्निंग दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो देख सकते हो जिस पर 112 व्यूज आया है, हाउ टू ओपन इंस्टाग्राम गिफ्ट ऑप्शन, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। जब मैं चैनल का कैटेगरी चेंज किया, मतलब टेक चैनल किया, ये वीडियो मैंने फास्ट डाला था जिस पर 112 ही व्यूज आया है। तो दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो में 100 व्यूज का अर्निंग कितना आया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 112 व्यूज आया है। यहाँ पर सब्सक्राइबर मेरा एक भी नहीं बढ़ा है इस वीडियो से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एस्टिमेटेड रेवेन्यू 0.01 पैसा, मतलब 1 रुपया भी नहीं बन रहा है शॉर्ट वीडियो से। दोस्तों मैं आप लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो शॉर्ट्स वीडियो में व्यूज आता है, जो शॉर्ट्स वीडियो में अर्निंग होता है, जो रियलिटी अर्निंग होता है, मैं आप लोग को वही दिखा रहा हूँ। मैं आप लोग को और एक वीडियो का अर्निंग आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर टाटा सफारी, जब मैं कार रिव्यू का वीडियो डालता था यहाँ पर एक टाटा सफारी का मैंने वीडियो डाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जिस पर 317 व्यूज आया है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 317 व्यूज आया है, 317 व्यूज आया है। और यहाँ पर मेरा एक सब्सक्राइबर इस वीडियो से मेरा बढ़ा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.17 एस्टिमेटेड रेवेन्यू बना है, मतलब कोई भी वीडियो में 1 रुपया भी नहीं बन रहा है।
तो दोस्तों आप ही बताओ हम शॉर्ट्स वीडियो क्यों बनाए। दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो बनाने का दो फायदा है, एक है रीच। शॉर्ट्स में रीच बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत जल्दी वीडियो वायरल हो जाता है, और शॉर्ट्स में अगर आपका मिलियंस में व्यू जाता है तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। मेरा ये कम व्यू जाया है तो इतना अच्छा अर्निंग नहीं हुआ है। अगर आपका मिलियंस में हर वीडियो में मिलियंस में व्यू जाएगा शॉर्ट्स पर तो आपका अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। इतना लाखों में तो अर्निंग नहीं होगा लेकिन आप लोगों का अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो पे और एक मेन बात जो है सब्सक्राइबर बेस बन जाता है, मतलब शॉर्ट्स वीडियो में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस बन जाता है। जब आपका सब्सक्राइबर बेस बन जाता है तो आप लॉन्ग वीडियो पे भी काम कर सकते हो, नहीं तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो के साथ साथ लॉन्ग वीडियो में भी काम कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में बहुत ज्यादा अर्निंग होता है। अगर आप लॉन्ग वीडियो का कितना कुछ अर्निंग होता है आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट करना, सब कुछ आपको रियलिटी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।